ना ये गाड़ी हिल रही है ना ये गाड़ी हिल रही है। वन को तो ये खड्डे जो है मेरी फॉर्च्यूनर ने करे हैं। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब लोकेशन से और इन सारी चीज़ों से आपको पता चल चुका है और वीडियो आप जो है वो पहले ही देख चुके हो, बट वो वीडियो एक अलग ऑफ रोड कंपैरिजन था और अभी आ रहा है पावर कंपैरिजन और वो आ रहा है हमारी फॉर्च्यूनर 2021 मॉडल सिग्मा 4 ऑटोमेटिक एंड द अदर कार जो हमारे साथ है वो है स्कॉर्पियो NZ8 4x4 ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल। ठीक है तो ये आ गई दोनों गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन। तो फिलहाल होने वाला है एक टग ऑफ वॉर का अच्छा सा चैलेंज। लेट्स सी कौन सी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है और क्या कुछ रहता है। सो पहले 4x2 में अटेम्प्ट होगी, 4x4 हाई में होगी एंड 4x4 लो में होगी। एंड विवेक भैया हमें जो लग रहा है तो चलिए जी पहले आपको मिलवा लेते हैं हमारे फॉर्च्यूनर। इसका एक बार टो स्ट्रैप ना जो टोक है टूट चुका है वेल्ड किया हुआ वो फिर से निकल जाए, आपने झटका नहीं मारना। आप हिम्मत कैसे लाते हो, उस टाइम आपने झटका मारा था, इस बार हम पूरा जो है स्ट्रेच करके ही काम करेंगे। जैसे आपको रहा था फॉर्च्यूनर एंडेवर साहब, अंदर की बातें नहीं बोलनी है। अच्छा ठीक है, अभी गलती किसकी है, ऑन किसने नहीं किया, हुक ध्यान से लगाने या हुक ऑलरेडी टूटा हुआ मेरा। कोई बात नहीं देख भैया, क्या यार ऐसे मैंने इतनी बड़ी बातें नहीं किया, छोटी बातें नहीं किया करो आप। बड़ी बातें छोटी बातें डिसाइड कर ले भाई साहब, हुक क्या है, आप हुक क्या बोलता है, फिर वेल्ड करा लेंगे। यही मोटिवेशन हमें चाहिए। तो उसमें दूसरी तरह से आता है, इसमें निकाल वो डिग्गी वाला होता क्या। तो बेसिकली इसमें तो क्या है, पीछे इस तरह से पॉइंट आ रहा है बट इसमें ये लगाना पड़ता है। और पहली बार लग रहा है इसमें, ना पहले गाड़ी खींची। अच्छा गाड़ी खींची हुई है, वाकई यार ऐसा हो तो ये हमारे आदित्य भाई हैं, इनके फेस पे वेव रखना, ये स्कॉर्पियो के हैवी ड्राइवर है। ठीक है अपनी तरफ भी रख लो, ये फॉर्च्यूनर के हैवी ड्राइवर। नहीं नहीं मैं हैवी नहीं हूं। अच्छा लाइट वेट ड्राइवर, लाइट वेट। तो इसको अच्छे से जो है माउंट कर लेंगे और फिलहाल आप इन दोनों गाड़ियों का जो है ऑफ रोड कंपैरिजन वीडियो देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल रहा है, तो वहां जाके आप दोनों का ऑफ रोड कंपैरिजन भी देख सकते हो। और अभी हम कर रहे हैं पावर कंपैरिजन। पावर कंपैरिजन कैसे हो सकता है, पावर कंपैरिजन नहीं होगा। बेसिकली क्या है, जो हमारी स्कॉर्पियो एन है ये है 172 और फॉर्च्यूनर है 201। पर मुझे लगता है टग ऑफ वॉर में ज्यादा वेट का मसला, किस किस चीज का वेट, सब कुछ रहता है वेट, ड्राइवर का खींचने का ऑटोमेटिक उसका फर्क भी आएगा है ना। और अभी बड़े सही चीज़ों की होगी, जब खींचेंगे दोनों गाड़ियां अलग अलग साइड जाएंगी, दोनों को अलग साइड पे तो मतलब ये टेढ़ी होंगी। पर मुझे लग रहा है उसके लिए जगह हमारी गलत नहीं है। नहीं है ठीक है, वो जगह ठीक है। फिर उसके बाद मेरी आवाज आपको सुनाई दे तो आप रुक जाना। तो चलो तो अटेम्प्ट कैसे रहेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगी 4x2 में, 4 हाई एंड 4 लो। ठीक है अभी 4x2 से दोनों गाड़ी आदित्य खबर गाड़ी थोड़ी सी। तो क्या है इस बार हम क्या है झटका नहीं मारेंगे, उससे हमारे हुक जो है वो टूट जाते हैं। तो पहले जो है ये टो स्ट्रैप इसको पूरा स्ट्रेच कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या रहता है कैसा रहता है। जी की भैया किधर गए, देखिए भैया आराम से आगे। ओके डन, कॉल कौन देगा, आदित्य थर्ड हॉर्न पे, जब तीसरी बार हॉर्न बजाएंगे फिर। हाँ नहीं हॉर्न तो अभी गाड़ी जो है दोनों 4x2 में है, वो गाड़ी बंद होगी क्योंकि वो है आपकी मैनुअल और ये ऑटोमेटिक है। ये नॉट एक्सपेक्टेड था पर देखो उसका MLD क्लिक हो गया है और वो जो है अब फॉर्च्यूनर को पीछे खींच रही है, लेकिन फॉर्च्यूनर जो है वो इनपुट बहुत कम दे रहा है, ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहा। अच्छा वो ट्रैक्शन भी ऑफ करना भूल गया था। और ये गाड़ी ये कुछ समझ नहीं आ रही है बैटल। तो ड्रॉ स्टॉप, वो ट्रैक्शन ऑफ करना भूल गया ना, ट्रैक्शन ऑफ तो बेसिकली तभी इनका टायर देख रहे बड़ा कम सा स्लिप कर रहा। आप 4x2 में ट्रैक्शन ऑफ करके डंट मारनी है, नहीं मारनी, नहीं 4x4 हाई ट्रैक्शन ऑफ करके मारते हैं, ट्रैक्शन ऑफ करके मारो।
4x2 में ट्रैक्शन ऑफ करके, बिकॉज मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा टायर कम क्यों स्पिन कर रहा है। तो गाइस पहले जो थी वो 4x2 थी, लेकिन ट्रैक्शन ऑन था दोनों गाड़ियों का। तो आपने देखा कि पहले स्कॉर्पियो जो थी वो बंद हो गई, तो इसलिए वो पीछे गई, लेकिन उसके बाद जो थी वो गाड़ी स्टार्ट करके, चलो अब देखते हैं। अब जो है वो ट्रैक्शन ऑफ करके है। वो ट्रैक्शन ऑफ करके जो है वो ना ये गाड़ी हिल रही है ना ये गाड़ी हिल रही है, और दोनों 4x2 में है। आई थिंक कहीं भी नतीजा नहीं पहुंचेगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो आप देख रहे हो ये सिस्टम चल रहा है, सिस्टम बस बस बस। तो ये मैच भी ड्रॉ हो गया है, ये मैच भी ड्रॉ हो गया, लेकिन देखने वाली बात यह कि वो 2.2 है और ये 2.8 है ना। देखा, इस गाड़ी का पता भी नहीं है मेरे को कुछ पे, मतलब हाँ इसको खुद भूल जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं करना इस गाड़ी का यार। तो अब हम करेंगे 4x4 हाई में। ड्रॉ हो गया, अब 4 हाई। चलिए अभी 4x2 में तो देख लिया, अभी 4x4। ये कह रहा है कि हॉर्न की आवाज उसको पता नहीं चल रही, मैं 1 2 3 करता हूं, शीशे नीचे करता। ठीक है, पर फिर ये मिट्टी अंदर आ जाएगी ना। तो चलिए अभी 4x4 जो है हाई लग जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। 1 गो 1 गो। और फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था, उसका कुंडा है वो टूट गया। यार एक बात बताओ टोयोटा वालों की, इतना पैसा ले रहे हो तुम, 200 रुपया ऊपर और ले लो यार, 200 रुपया ले लो। चलो मैं कर देता हूँ स्पॉन्सर 200 रुपया, कम से कम कुंडा तो अच्छा वेल्ड करो। वो देखो मतलब ऐसी दे दो ना, हुक क्यों दे रहे हो आप, हुक मत दो आप, सिंपल सी ये चीज कर दो कि आप इसमें भी ये टोइंग हुक दे दो यहाँ पे, ये वाली ऐसे रोल ऑन वाली, तो ये टूटेगा नहीं। बट ये देखो टूट गया, 200 रुपए की बात है यार, कुछ और तो नहीं टूटा। पक्का हर बार की तरह वो पहले निकलता। तो ये बेसिकली एक बार ही पहले भी टूट गया है, तो उस वजह से फिर से टूट गया। तो चलो कोई नहीं, वो ठीक है, हुक है का। अच्छा हुक टोइंग हुक है का। हुक कहाँ है, कहाँ है हुक? एक सेकंड, इधर तो नहीं है। लो जी ऑलरेडी वेल्डेड था। इस बार ये गैस वो करना है, मिग वेल्डिंग करना है, मिड ये वही टूटी है यार। ये पता क्या चक्कर है कि पिछली बार जो टूटा था ना वो अलग से टूटा था, इस बार और अलग से टूटा। कुंडा नहीं अच्छा यार, टोयोटा नहीं अच्छी यार, गाड़ी नहीं अच्छी, टोयोटा नहीं है अच्छी। टोयोटा को कुछ देखो, कोई कुछ बोले टोयोटा को कुछ नहीं बोले। आई हैव अ टोयोटा, आई हैव अ टोयोटा। फॉर्च्यूनर नहीं है, यू हैव थार आल्सो। चलो मैं थोड़ा सा इधर रहा, मैं निष्पक्ष रहता हूं। फोर्ड के बाद महिंद्रा, चलो टाटा भी नहीं पसंद मेरे को। ये देखना यार, ये कोई हरकत है। सॉरी विवेक भैया, ये कोई तरीका होता है। चलो तो गाइस ये हमारी जो है टग ऑफ वार जो है रद्द हो गया। चलो एक चीज ट्राई करनी है मैंने, स्कॉर्पियो से करनी है। देख 4x2 में इसमें MLD है, मेरे में MLD नहीं है, मेरे ओपन डिफेंस आ रहे। ठीक है, 4x2 में ही टग ऑफ वार करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ की क्या मतलब एक्स्ट्रा है। चुल चुल नहीं, CHUL चुल। कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, आ जाओ दो। चलो जी अभी दिगी भी आ रहे हैं स्कॉर्पियो लेके। सो स्कॉर आई थिंक स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन की भी आपने कोई टग ऑफ वॉर आई गैस नहीं देखी। देखना है तो वो दिखा। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, क्या करूँ मैं इनके जज्बात का। गाइस ये कॉम्पिटिशन आई गैस थोड़ा टफ होने वाला है। फोर मैंने रोड के साथ हवा रखी है, थोड़ा सा ग्रास के साथ रखना। अच्छा ये बम्पर के साथ नहीं, अभी मैं आपको बता दूं, देखो भले ही ये गाड़ी 4x4 है, बट हम इसे 4x2 में अटेम्प्ट करेंगे। बट फिर भी इसके पास एक प्लस ये रहने वाला है कि इसमें MLD है। दोनों मैनुअल हैं, क्लच के साथ, मतलब वो जो ऑटोमेटिक बाहर हो गया, गाड़ी भी टाइट करो फिर चलते हैं। हाँ अभी तक करो गाड़ी को आगे। चलो जी तो गाड़ी थोड़ी सी टाइट करेंगे, होप इस बार कोई भी जो हुक वगैरह है वो ना टूटे। एंड पहले पटा स्टार्ट ऑन दो, थोड़ी आगे करो। हाँ उसमें ट्रैक्शन है ही नहीं है स्कॉर्पियो में। करो करो आगे करो करो बस, दैट्स इट। ये खींच रही है क्योंकि MLD है। The first competition ever. Stop! 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 I guess इससे ज़्यादा गाड़ियों की तबाही नहीं करनी है। विवेक भैया क्या आपको बुरी साउंड आई? मुझे तो
टक टक की आवाज है, वो एमएलडी की टक टक आती है ना, वो तेरे गियर शिफ्ट की टक थी। आपने अच्छा, मैं गियर शिफ्ट करता हूँ बीच में। मैं गियर शिफ्ट कर दिया अभी, क्या करते हो? ये तो थर्ड गियर पे था, ये थर्ड गियर पे था, थर्ड गियर तक गया हूँ फिर से था। नहीं वो मतलब ये अपनी वो है, वो क्या है, फार्मूला वन की फील आ जाती है। रुको तो चलो, आई होप काफी ज्यादा तो आपको मजा आया होगा। और ये भी अपनी गाड़ी है, इसको कोई हेट नहीं देना, प्यार देना। हाँ। वो भी अपनी गाड़ी है, उसको भी हेट नहीं देना, प्यार देना। हम बोल सकते हैं कि हमारी अपनी है। हाँ। हमारे पास सारी गाड़ियां हैं इसलिए हम बोल सकते हैं, बट कुछ ऑल्टो वाले भी बोलते हैं। लॉर्ड ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो। गाइस इस बात का मुझे कोई पता नहीं है, बट फिर मैं यही डाल रहा हूँ, डिप्लोमेटिक। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी और काफी फ्रेंडली सा एक हमारा टगा और ऑफ रोड रहा। मजा आता है बिकॉज ये चीजें जो है थोड़ी मजा ही आता है। मेरे को ये बात दिल पे लगा है गाइस, मेरे को दिल पे लगा है ये बात। ये आज हुआ बेचारा, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल यही था अभी यहाँ की वीडियो के लिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब तो कुंडा भी टूट गया, कुंडा भी टूट गया, बाकी ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ये तो मेरे साथ में रहते हैं। और थैंक यू इतना प्यार बरसाने के लिए इंस्टाग्राम पे, 1 मिलियन पहुंचने के लिए रील पहुंचा दो जल्दी। बरस रहा ना, चलो जी। तो आदित्य भाई थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आज, पहली बार ही मिल रहे थे और काफी ज्यादा। उम्मीद करते हैं आगे भी ऑफ रोड पे आओगे पक्का। संडे को चलेंगे हम। चलो जी, संडे को कुछ और ही जलवे देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, अभी का शो करते हैं वाइंड अप होने का। ये भी आएगा गाइस, कमेंट करो प्लीज। ये तो दिखते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लाया इनको। इसने 3-4 मतलब गाने का कर लिए, थोड़ा हिट गया हो गया, ये मानता ही नहीं है। क्या बताए, अपनी ड्रीम कार जैसी है, बड़ा मन है लेने। अच्छा तो चलिए जी, फिर मैंने कहा फील ले लेते हैं और देखते हैं। बस ये है कि आज जो उसकी स्कॉर्पियो की परफॉर्मेंस देखी है ना, कहीं मन ढोल ना जाए, लेकिन रोला भी तो जमाना ना। स्कॉर्पियन तो ले लेगा। हाँ। स्कॉर्पियन का वो मजा है जो फॉर्च्यूनर पे आएगा, वो वाइब है, वो फील आएगी तुझे। सही बात है, देखो लो क्या रोला जमना चाहिए, रोला। सो दिस इज डे 2। तो बेसिकली क्या है कि कल की वीडियो में जो आपने है देखा है ऑफ रोड, पहले आपने देखी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो एंड फिर आपने उसके बाद देखी स्कॉर्पियो एंड नोर स्कॉर्पियो। तो एक वीडियो हम बहुत देर से प्लान कर रहे थे, एक बार हम वो वीडियो बनाने गए भी, बट वो वीडियो किसी वजह से बन नहीं पाई। आज हम अपनी फॉर्च्यूनर और साहिल भैया की फॉर्च्यूनर के साथ भी एक टॉक ऑफ वॉर करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आ गया हूँ। हालांकि ये वीडियो बड़ा ना हॉच पॉच हो गया, मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अलग अलग तरह से शूट करूँ, बिकॉज मैं ना एक मिक्सअप की कहानी नहीं बनाना चाहता, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो रखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे टग ऑफ वॉर है तो टग ऑफ वॉर की वीडियो चल रही है, मेरा पर्सनल व्लॉग है तो पर्सनल व्लॉग चल रहा है, और इनकेस कोई मॉडिफिकेशन है जो कुछ और है तो वो एक अलग तरह से व्लॉग में आ रही है। तो ठीक है, साहिल भैया जो है लोकेशन पर पहुँच रहे हैं, फटाफट से अपनी फॉर्च्यूनर को उठाते हैं। उस दिन अगर हम टग ऑफ वॉर करते तो उस दिन का ये था कि मेरी गाड़ी को टायर जो था वो सीएट वाला था, आज रडार का टायर है, तो देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है और चिंकें कितनी निकलती हैं। सो लेट्स गो। ट्रिप से आने के बाद ना फॉर्च्यूनर चला भी आज ही रहा हूं, तो बस एक दिन वही लेके गया था जिस दिन वॉशिंग वाला शीशा टूटा था। देखते हैं टग ऑफ वॉर में ये क्या करती है। विवेक भी आगे एंडेवर के साथ तो हार गई थी, आज देखते हैं। तो गाइस फिलहाल ये आप देख सकते हो, साहिल भैया क्या हाल चाल है? साहिल भैया से तो अभी तक मिले नहीं हो, ठीक हो? और एक और साहिल भैया, और एक और साहिल भैया, क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो बेसिक तो बेसिकली क्या है कि साहिल भैया को कोई काम था तो हम आ गए थे, बट अभी इनकी बाइक को भी पानी में ले जाते, लेकिन पानी काफी गहरा है। मैं कहता हूं ले जाओ, नहीं पानी काफी गहरा है। और उसके बाद क्या है कि आज तुम ऑफ रोडिंग देखने वाले हो R1 के साथ। अच्छा, हमने नहीं देखनी, हमने नहीं देखनी, हमने भाई इतनी महंगी बातचीत नहीं करनी इसके साथ। मेरे को भी दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे, ये भी बाइक तोड़ता है जी, जम्मू का यूट्यूबर तो है ही बदनाम। ये बाद में करवाया अभी, कार्बन शार्बन करानी है किसी चीज को, करवाएंगे ना फिर, लोग भी आगे पास जाओ कराओ इसको। बस बस अब यही प्लान है। ये जो चीज बनाई है ना मजा आ गया, पसंद आई। फाइनली पहुंच चुके हैं हम। तो एक्चुअली क्या है कि साहिल भैया का बम्पर अभी जितनी बार भी मैंने देखा ना तो ये फिनिश्ड नहीं था, प्रॉपरली बना नहीं था, लेकिन आज जो है प्रॉपर लग रहा है और आज ये हमारे बम्पर को टक्कर दे रहा है बम्पर। अभी एक चीज नहीं आई भैया मेरी, अभी और पूछ रहा था, फॉग लाइट के कवर, जैसे आपकी गाड़ी में कवर है। नहीं बट मैं सच बात बता रहा हूँ, अब बम्पर जो है ना अब लग रहा है। एक तो जैसे ये ब्लैक एलिमेंट दे दिया, ये लगा दिए ऊपर है ना, और ये एंटीना भी मांगता है मेरे को भी, अब मैं भी एंटीना लगाऊंगा। और पीछे सबसे सही लग रही है, हाँ ये जो नीचे रेड अंडरबॉडी की है ना ये भी अच्छी लग रही है। तो चलो अभी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, टग ऑफ वॉर होगी। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप साहिल भैया के चैनल पे पहले ही देख चुके हो, आप पे डिपेंड करता है। नहीं क्योंकि मेरे पास एक दो दिन का बैकअप है, तो मैं अभी वीडियो लेट डालूंगा, तो आप शायद पिछले कल भी वीडियो देख चुके हो। तो इसी बात पे साहिल भैया के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, KS Vlogs 0786 0786। साहिल भैया जो बात मैंने रास्ते में बोली थी ठीक है, नहीं ठीक है, जान करके नहीं करना है, मैं टग ऑफ वॉर वाला बंदा नहीं हूँ, बट ज्यादा करूंगा भी नहीं। दोनों गाड़ियां जो है ना बिल्कुल सेम है, आपकी मॉडल 10, बस वो 10 मॉडल है, ये है 11 मॉडल,
ये फर्क है, बाकी लुक्स में हमने गाड़ियां बदल रखी हैं, बट इंजन वाइज सब कुछ सेम है, दोनों फॉर्च्यूनर टाइप वन ही है। चलो जी, पटा लग गया है, पटा पूरा स्ट्रेच भी कर लिया है। पहले जो इसका ऑल टाइम फोर व्हील ड्राइव रहता है नॉर्मल, फिर उसके बाद फोर व्हील विद सेंटर डिफ लॉक एंड देन फोर लो विद सेंटर डिफ लॉक, तो यही रहेगा। तो देखते हैं कौन डिफ लॉक कैसे लगाना है। डिफ लॉक वही, उसको लीवर को सेंटर डिफ कहा मैंने, तो चलो ठीक है देखते हैं। साहिल भाई ज्यादा जोर से नहीं खींचना, ठीक है। चलो राहुल भाई रेडी हो? मैं चेयर कर लूं बस इसके चेयर कर चेयर कर वो भैया आपने देखे नहीं फास्टर फ्यूरियस वाला, आज मैं ही हूं बीच। स्टार्ट। तो भाई चोटा जीत गया है और चोटा, वाकई यार धुआं धुआं हो गया और गाड़ी भाई ये देखो स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा पहले वन टू थ्री गो। यार बैठ 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 बैठ, ये हो कह रहा है भाई। सो गाइस ऐसा है कि हम क्लच को अब्यूज नहीं करना चाहते, पर एक अटेम्प्ट जो है हम लो हो गया भैया, लो हो गया, अब्यूज हो गया एक बार, लो में करेंगे, लो में No, भाई मुझे तो आज वही फील आ रही है यार, फास्ट एंड फ्यूरियस 10 वाली। वन टू थ्री स्टार्ट। ओ भाई साहब, वेट 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 भाई दोनों ही बराबर है भाई, ये नहीं मानते दोनों। भाई तरुण भाई ये क्या है, ये तो ट्रैक्टर चला रहे हैं आप? फ्रंट दोनों फंस गए हैं, आपके आगे वाले ने काफी पुश किया ना, एक्चुअली टायर नए है ना, तो दम बोला था क्या है कि दोनों गाड़ियों की टग ऑफ वॉर हो चुकी है। वीडियो मैंने आपको दिखा दी एक बारी, अपनी फॉर्च्यूनर के खड्डे जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं भूल ही गया कि मुझे शूट भी करना है, तो ये खड्डे जो है मेरी फॉर्च्यूनर ने करे हैं, और इसकी वजह है इसका ये भला रडार का टायर, क्योंकि गुड्डी अच्छी है और जगह देखो जिसमें ज्यादा पावर, ज्यादा जगह सख्त होती तो टायर का धुआं निकलता, जगह सॉफ्ट थी तो टायर ने खोद दी, तो ये मसला है। बाकी साहिल भैया की गाड़ी यहाँ पे थी, ठीक है जी। ख्वाबों में मिलते और कहते हो मेरे हो तुम, मेरे हो। फाइनली वी आर बैक एंड देख सकते हो आप, मैं तो फॉर्च्यूनर में था, ये अचानक से जिमनी में कैसे आ गया, तो चलो ठीक है वो मसले छोड़ दो। आई होप एक वीडियो में आपने तीन गाड़ियों की अलग अलग तरह की टग ऑफ वॉर देखी होगी, उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा। तो इस वीडियो को फिलहाल करते हैं यहीं पे खत्म, प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और कल की वीडियो में आई थिंक आपको थार का भी जो सिस्टम है सस्पेंस है वो पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है कैसे है, तो बस यही है। तो मिलते हैं आपसे कल किस वीडियो के साथ, आपको पता ही है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।